Dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we shall solve question 7, exercise 1.1, class 10, maths from new NCERT book. Let's begin. Question 7 है हमारे सामने. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें यहाँ पर यहाँ फील्ड बना चुके हम और इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. ये राउंड के एक राउंड करती है 18 मिनट्स में. तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स इसके चारों ओर चक्कर लगाना है. और उसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. और एक ही वो भी एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगाता रवि. रवि टेक्स 12 मिनट एक राउंड करने में. फिर है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. यदि हम यहां पर एक सेम पॉइंट ले लेते दोनों का, दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, और सेम टाइम दोनों और सेम डायरेक्शन में चलते, तो सोनिया भी इधर से ही स्टार्ट होती है और रवि भी यही पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं और एक ही समय में वो मूव करते हैं और सेम डायरेक्शन में वो चलते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पर सोनिया ज़्यादा टाइम लेती है एक राउंड करने में और रवि 12 मिनट से लेता है, वो कम टाइम लेता है एक राउंड लगाने में. तो हम ये इसका यदि यहाँ पूछा लिया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वापिस, वो कितने मिनट बाद ये मिलेंगे एक दूसरे से. तो हम देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम ऑफ 18 और 12 का, इसीलिए हम 18 का यहां फैक्टर बना लेते हैं पहले. टू नाइन जो 18, 3 जो 9, 3 1 जो 3. तो यहां 18 का हमने फैक्टर्स बना लिए. इसके फैक्टर्स होगा 2 × 3 × 3. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये दो बार है 3, तो 2 × 3² फिर हम निकाल लेते हैं 12 का फैक्टर. 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3. तो ये 12 का फैक्टर हम यहाँ निकाल लेते हैं. 2 × 2 × 3. यहाँ देखो ये 2 दो बार है, इसलिए 2² × 3. अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे. तो हम इसकी हाई एलसीएम निकालने के लिए LCM इज इक्वल टू, हम ये इसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, 2 × 2² × 3². हम इसको सोल्व कर लेते हैं. 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 9 = 36 और हमें ये मिला एलसीएम 36. तो 36 मिनट्स इज इक्वल टू, यानी एलसीएम इज इक्वल टू दे मीट आफ्टर, मीन्स दोनों का जो ये एक
साथ मिले वो 36 मिनट्स में वापस एक ही पॉइंट पे जाकर मिलते हैं। 36 मिनट में दोबारा यहाँ पर मिलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।